तो मैं घबरा गई थी उस वक्त. देन डॉक्टर श्वेता से शोएब बात कर रहे थे, तो शी सेड ओके कम. एंड उस वक्त कुछ 3:45 के आसपास हो रहा था. एंड उन्होंने शोएब से बात की एंड उन्होंने मे बी शी सेंस्ड कि मैं घबरा गई हूँ. तो उन्होंने शोएब को बोला कि वी माइट हैव टू डिलीवर हर, गेट हर राइट नाउ. तो शोएब ने बोला ओके. एंड उसके बाद शोएब फटाफट रेडी होने लगे और मैं कबर्ड के सामने जाके खड़ी हूँ. एंड मुझे रोना यहाँ तक आ रहा है, मुझे घबराहट हो रही है, मेरे दिमाग में हज़ार चीज़ें चल रही हैं कि क्या हो गया, क्यों हो गया, ब्लड क्यों है, पहली चीज़ आपके दिमाग में वो आता है. एंड मैं ऑलमोस्ट ऐसे रोने जैसी हो गई. देन ही पॉज्ड, ही वाज लाइक 1 मिनट बोला हाँ मुझे डर लग रहा है, क्या हो गया, क्यों हो गया, ये वो वो. बोला कुछ नहीं होगा. जो ने मुझे वहीं बिठाई हुई थी एंड देन द मिनट वी सैट इन द कार, यू नो आई जस्ट स्टार्टेड टॉकिंग टू द बेबी कि मुझे थोड़ा मूवमेंट दिखा दो, मुझे बहुत घबराहट हो रही है बेटा, मुझे थोड़ा मूवमेंट दिखा दो, थोड़ा मूवमेंट दिखा दो. एंड देन ही मूव्ड एक दो बार ऐसे ऐसे करके अच्छे से, और फिर मैंने अपने आप को काम डाउन किया. क्योंकि एक्चुअली मैं रोज ब्लॉग नहीं शूट कर पाया, बट अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चीज़ें बेटर हैं. छोटू भी अच्छा है, धीरे धीरे अच्छा हो रहा है, उसका सारी चीज़ें जो उसके वाइटल्स वगैरह है वो सब अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल आ गए हैं. बट यस, कुछ दिन तक और अभी यहाँ पे हमें रुकना पड़ेगा, दीपिका को हॉस्पिटल पे रुकना पड़ेगा क्योंकि बेबी अभी NICU में और रहेगा. क्योंकि ठीक है, बट उसका फीडिंग जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी शुरू किया है, तो दीपिका को दो तीन बार उसको मिल्क जो है वो एक्सप्रेस करके देना पड़ता है. बात की जाए दीपिका कक्कर की, जिन्होंने अपनी डिलीवरी की दी है अपडेट. दीपिका ने बताई अपने बेबी की एक बात. दीपिका का कहना है कि जब मैं घबरा गई थी तो मैंने बेबी से कहा कि बेबी प्लीज़ थोड़ा तो मूवमेंट करें, तो माशाल्लाह बेबी ने अपनी माँ की बात सुनी और थोड़ा सा हिल कर दिखाया. दीपिका बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गई. दीपिका और शोएब इब्राहिम अभी कुछ दिन और हॉस्पिटल में रहेंगे बेबी के साथ, और इंशाल्लाह बहुत जल्द बेबी ठीक होकर अपने घर आने वाला है. शोएब दीपिका के बेबी को दुआ में याद रखिएगा. अब आपसे ज्यादा चाहते हैं, वीडियो पसंद आए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा. मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज्यादा करिएगा. अल्लाह हाफिज़.